हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ बुकरम से नेकलाइन कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको कि बुकरम पे हम अलग अलग नेकलाइन शेप्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं। और नेकलाइन शेप कटिंग करने के लिए हमें दो मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, नेक विड्थ और नेक डेप्थ। तो ये मैंने बुकरम रोल में से काट ली है और ये मैंने लिया है नेक विड्थ, जितनी आपकी नेक विड्थ है वो, प्लस सीम अलाउंस जो आप रख सकते हैं 1 से 1.5 इंच। अब मैं यहाँ पर नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी जो है 3 इंच मेरे मेजरमेंट में, और नेक डेप्थ है 7 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं सीम अलाउंस के लिए। नेक डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं दो तरह से, या तो डायगनली या फिर सीधा। तो जिस तरह से भी आपने मेजर करी है उसी तरह से आप निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मैं फिर से नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर, और अब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी राउंड शेप। तो ये है राउंड नेकलाइन, और अब मैं यहाँ 1/4 इंच पर निशान लगाऊंगी सीम अलाउंस के लिए। तो ये राउंड नेकलाइन रेडी है, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये है स्वीट हार्ट शेप नेकलाइन, और अब मैं कटिंग करूंगी कर्व्ड वी शेप नेकलाइन की। तो ये थी कुछ बेसिक नेकलाइन शेप्स। अब मैं आपको दिखाऊंगी एसिमेट्रिकल नेकलाइन की कटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक विड्थ मार्क करेंगे जैसे हमने पहले करी थी, और यहां से हम लेंगे नेक डेप्थ, और फिर से नेक विड्थ मार्क करके इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम बुकरम को खोल लेंगे और सेम पॉइंट्स हम मार्क करेंगे दूसरी साइड पर।
गले की शेप बनाने के लिए यहाँ से हम सीधा रखेंगे और दूसरी साइड से हम कर्व्ड शेप देंगे। तो ये है नेकलाइन शेप। अब मैं पौन इंच पर निशान लगाऊंगी सीम अलाउंस के लिए और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये थी एसिमेट्रिकल नेकलाइन। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग करना बताऊंगी। मैंने ये सैंपल बॉडीज काटा है और नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए हम सेम फैब्रिक में से एक चौरस कपड़ा ले लेंगे। अब कपड़े की उल्टी साइड पर हम बुकरम को रखकर सिलाई लगा देंगे। हमने इस पे कच्ची सिलाई लगानी है, जो मशीन का सबसे बड़ा स्टिच होता है वो यूज करना है। और अब हम 1.5 इंच कपड़ा रखेंगे और बाकी कट कर देंगे इस तरह से। आप कपड़े को बुकरम पर फोल्ड करेंगे इस तरह और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। तो ये बॉडीज है और इस पर मैंने नेक विड्थ पे और सेंटर पे कट मार्क किया है। अब नेकलाइन को फोल्ड करेंगे इस तरह और सेंटर का निशान लगाएंगे। अब बॉडीज और बुकरम नेकलाइन का सेंटर मैच करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आप इसे पिन से भी अटैच कर सकते हैं ताकि बुकरम हिले ना, उससे थोड़ा आसान होगा आपको सिलाई लगाना। और सिलाई हम बुकरम के साथ साथ लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है सिलाई। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं बॉडीज के कपड़े को नेकलाइन की शेप में कट कर दूंगी। तो मैंने ये कटिंग कर दी है और मैंने इस पे छोटे छोटे कट्स मार्क किए हैं ताकि हम बुकरम को उल्टी तरफ आराम से मोड़ सकें। तो ये नेकलाइन कंप्लीट है। आपको सिर्फ इसे अंदर की तरफ मोड़ना है। तो ये नेकलाइन कंप्लीट है। इस पर आप सिलाइयां लगा सकते हैं नेकलाइन शेप पे और या फिर आप तुरपाई कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।